अब ना विनयश्री, आज पहले आपके दो सत्र करो ना दीक्षा जयंती पर। हमने हमने कहा था 4 बजे करवाएंगे अपन दीक्षा जयंती, तो अभी पिछली कमांडर बाद में दूंगा मैं है ना, जब तक दूंगा है ना, जब तक पिछली जब ही दूंगा जब विनयश्री बोल ले, क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है ना, इससे संस्कार के बाद है ना। अब नमोस्तु आचार्य भगवान, आचार्य भगवान बैराग नंदी जी महाराज जी, नमोस्तु आचार्य भगवान व्यास सागर जी महाराज जी, नमोस्तु मम दीक्षा गुरु परम पूज्य गणनी शमनी आरिका वासी माता जी वंदा में। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। जय बोलिए देवादि श्री 1008 श्री पुष्प दंतनाथ भगवान की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विराज सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान 108 श्री वैराग नंदी जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान 108 श्री वैश्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए संस्कारित किया था और वही आज का दिन है कि मेरी दीक्षा भी इसी दिन पर हुई थी। और देखते हैं फिर पूज्य माता जी ने 2017 में चंबल की घाटी, कहने को तो डाकुओं का एरिया है, लेकिन उस डाकुओं के एरियों में से अचेतन कृतियां कम निकलती हैं और चेतन कृतियां बहुत सारी निकलती हैं। उस चेतन कृतियों में अगर नाम गिनाया जाए तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, गणनी आरिका विश्वाश्री माता जी, गणनी आरिका विभाश्री माता जी, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी के संग में अगर नींव रखी गई है तो वह भिंड की नगरी, डाकुओं की नगरी से चेतन कृतियां प्रकट हुई हैं। और आचार्य भगवान विहर्ष सागर जी महाराज के संग में जो भव्य जैनी शरीर दीक्षा होने जा रही है उसमें भी लगभग 4 दीक्षार्थी भिंड के हैं और भिंड का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारे मंच पर जो मुनि विजय सागर जी महाराज बैठे हैं वो भी भिंड के हैं, भिंड में से ही उत्पन्न हुए थे। आज का दिन गुरु उपकार दिवस है और गुरु की महिमा वर्णे न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। कहते हैं कि गुरु जिस दिन अगर बच्चों के अपने शिष्यों के ऊपर संस्कार कर देता है भाई एक दिन भगवान बन जाता है। माता पिता अपने बच्चों को भगवान बनने की प्रेरणा नहीं देते हैं, लेकिन एक गुरु होते हैं जो अपने शिष्यों को भगवान बनने की प्रेरणा देते हैं। गुरु का उपकार जितना कहा जाए उतना कम हुआ करता है। हम लोग भी आप लोगों की तरह थे और आप लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन पुण्य का उदय आया, गुरुओं का संयोग मिला और उन्होंने आज हम लोगों को अपने समान बना लिया। तो शिष्य का भी कर्तव्य हुआ करता है कि गुरु का नाम रोशन कैसे किया जाए। गुरु के आचरण अपने अच्छे होंगे तो गुरु का नाम रोशन होगा। आज आचार्य भगवान विहर्ष सागर जी महाराज जी के कर कमलों से लगभग 15 दीक्षाएं भव्य जैनेश्वरी होने जा रही हैं, हो गई हैं शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेत शिखर जी पर। और हम तो यही कामना भाते हैं कि हमारे दादा गुरु आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के लगभग कर कमलों से 300-400 दीक्षाएं प्रदान की गई और आज उसी श्रृंखला में अगर हम लोगों को अपने दादा गुरु आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की छवि नजर आती है तो आचार्य भगवान विहर्ष सागर जी महाराज के मुखार में आती है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। तो आचार्य भगवान विहर्ष सागर जी महाराज देखना, आप 85 साल से लेकर 25 साल तक के दीक्षार्थी आपको मंच पे नजर आ रहे थे। एक दिन वो था जो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के मंचों पर 25 साल से लेकर 85 साल तक के दीक्षार्थी नजर आते थे और आज बड़ी असीम कृपा आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की
आचार्य भगवान व्यास सागर जी महाराज की है। लगभग आचार्य भगवान के साथ हम लोगों का मंगल चातुर्मास संपूर्ण होने के लिए जा रहा है। और कहते हैं साधु संत कब कब मिलते हैं, गाड़ी घोड़े वाले तो कभी भी मिल जाएंगे और साधु संत पैदल चलने वाले हैं एक कम मिलेंगे। तब आचार्य भगवान के साथ उनके सानिध्य में जो क्षण बिताए वो हमेशा पल पल याद आते रहेंगे। और बस यही कामना भाते हैं कि हे आचार्य भगवान, आचार्य श्री नहीं बोले, आचार्य श्री हम लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना। और हम परम पूजनीय गणनी आरिका विभाश्री माता जी के ऋणी हैं जिन्होंने मुझे एक कूड़े के ढेर से उठाकर आज इतने ऊपर पर बैठा दिया है। हे गुरु माँ, आपसे बस यही आस है, अभी तक आप इधर तक ले आए हैं, अंतिम श्वास तक आप अपने हमें चरणों में रखना और अपने चरणों की छाएं हमारे ऊपर, हम सब शिष्यों के ऊपर बनाए रखना। हमारी जो गुरु बहने हैं उनकी भी सर्वश्री से लेकर छुल्लिका शील श्री माता जी तक आज सभी का दीक्षा दिवस है और इतने सारे साधुओं के सानिध्य में आज हम लोगों का दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। ये हम लोगों का परम सौभाग्य का दिन है। आचार्य भगवान बैराग नंदी जी महाराज, आचार्य भगवान विरहस सागर जी महा और मुनि विजय सागर जी महाराज, गण्यारिका विभाश्री माता जी का मेरा इतना पुण्य का उदय है कि इन लोगों की छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा रहती है। किसी का नाम ले या ना ले, लेकिन मेरा नाम इन गुरुओं के मुखार बिंद से हमेशा लिया जाता है। ये हमारा उपकार है और हम इन महाराज आचार्य महाराजों के सामने सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति, पूज गण्य माता जी के चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति यही कामना भाते हैं। आप लोग अपनी असीम कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रहें और अपनी छत्र छाया में मुझे बनाए रखें। जय बोले आज परम पूज्य गणनी समनी आरिका 105 विभाश्री माता जी की जय। आज जयंती है उनकी, एक बार जोरदार ताली तो बजा दो, एक बार पहले जल्दी बजाओ। और अपन देखें कि आरिका विभाश्री माता जी एक सरल व्यक्तित्व की धनी है। मैंने देखा 4 महीने लगते ही नहीं कि मेरे बगल में कोई गणनी मारिका रहती है ना, उससे ज़्यादा तो धमक जो है ना वो विनश्री की रहती है। और चलती भी है महाराज जी तो मेरे कमरा में हिल जाता है ना, और विभाश्री कब निकल जाती है कब आ जाती है मुझे पता नहीं चलता है ना। तो ऐसे बहुत सहज सरल माता जी हैं और उन्होंने अपना ये संग छोटी सी बगिया तैयार की है, 11 पुष्पों की अच्छे अच्छे पुष्प हैं। सहज सरल सभी माता जी वगैरह हैं। मैं देखता हूँ वो माता जी जब से मैं आया ना तो माता जी सोचती हैं कि अब तो आचार मना जा गए तो बिल्कुल और निश्चित हो गए है ना। मैं किसी बोल देता हूँ माता जी, मैं किसी को भी डांट सकता हूँ, किसी से कुछ कह सकता हूँ, बोले हाँ महाराज जी आपको छूट है। यहाँ तक कि माता जी 14 का प्रतिगण भी होता है तो मैं कहता हूँ भैया तुम गणनी हो दो अपना प्रायश्चित, नहीं नहीं आप ही बोल दो प्रायश्चित भी आप ही दे दो अभी ना ये बोल दो चाहे ठीक। ऐसा सहजता सरलता ये गुरु बैराग सागर जी महाराज की परंपरा में सहजता सरलता एक गुण है जो मुझे भी मिला और माता जी को भी मिला ना। और आज मैंने सुबह भी शुरू में भी कहा था कि ये पूरी जो सौगात है उन गुरु के चरणों में ही समर्पित है ना। अभी मैं दीक्षा भी दे रहा था तो हाथ मेरे हैं, मंत्र दीक्षा के हैं, पर फिर भी मन गुरुदेव की आत्मा में मिला हुआ है। तो मैं यही बोल रहा था हर दीक्षार्थी के ऊपर संस्कार करते हुए कि गुरुदेव ये दीक्षा भी आप ही दे रहे हो ना, मैं तो निमित्त बनाऊँ। वैसे गुरुदेव के साक्षी में आज अपन ने जो दीक्षाएँ दी हैं, पर मैं दीपिका जी एक बार आगे आओ इस बहन के लिए जो ताली बजा दे एक बार, जो इंदौर में अपनी गढ़वालियर की ना आर्यन कॉलेज की ना डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों हैं ना। और अपन देखें शिखर जी आती है पर शिखर जी की वंदना करने नहीं जाती, कहती है कि हमारी शिखर जी तो आप ही हो ना। ऐसे दीपिका जी जो पूरी व्यवस्था संभाल रही हैं। और आइए पहले गणनी माता जी को दो, अभी विभाजन में कुछ नहीं मिला।